हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसमें हजार्ड्स क्या है, इसके कंट्रोल मेजर क्या है, शॉक किन किन चीज़ों पे डिपेंड्स करता है। तो सबसे पहले चलते देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इसमें एक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। वो एक कंडक्टर के थ्रू एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन पॉइंट तक फ्लो करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। एक बार फिर से देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वो एक कंडक्टर के थ्रू एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन पॉइंट तक फ्लो करता है, ये इस फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले ये वर्क करने के लिए एक सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। जैसे कोई इनर्जी सोर्स है और वो कोई इलेक्ट्रिकल टूल्स है, तो उसके साथ जब इसका कनेक्शन होता है तभी इसका एक कंप्लीट सर्किट बनता है। मींस कंप्लीट सर्किट इज मेड बिटवीन द टूल्स एंड द एनर्जी सोर्स। अब ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रिक जो टूल्स हैं और जो एनर्जी सोर्स है उसके बीच एक कंप्लीट सर्किट बनता है तो ये वर्क करता है। अब शॉक लगने के पीछे रीजन क्या होता है, सपोज कि ये टूल्स है जो टूल्स में कुछ डैमेज है, तो डैमेज होने के कारण अब वो टूल से इलेक्ट्रिसिटी का, और अगर उसको किसी आदमी ने टच कर दिया तो करंट अब टूल के थ्रू क्रॉस ना करके वो आदमी के बॉडी के थ्रू क्रॉस करता है, तो इसके कारण आदमी को शॉक लगता है। मीन देख लेते हैं, हाउएवर इफ द टूल इज डैमेज द पर्सन मे कम इन द कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रिसिटी। आदमी है जो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में जाता है एंड बिकम ए पथ ऑफ द करेंट, और एक करंट का पथ बन जाता है आदमी का बॉडी, एंड द पर्सन विल बी शॉक, और इस तरह से आदमी को यहाँ पे शॉक लग जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें हजार्ड्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसका प्राइमरी हजार्ड पे बात करेंगे, फिर सेकेंडरी हजार्ड पे बात करेंगे, और सेवरिटी ऑफ शॉक किन किन चीजों पे डिपेंड्स करता है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी हजार्ड क्या क्या है। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिकल बर्न्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क या फ्लैश ब्लास्ट भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिक फायर और एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक जो आर्क फ्लैश होता है, इसके रीजन क्या होता है, जब भी पास बार में कुछ काम करने होते हैं और उसमें ये काम करने वक्त अगर कोई मेटेलिक पार्ट गलती से गिर जाता है तो वो क्या करता है, उसमें जा करके वो एक वायर से दूसरे वायर में टच हो जाते हैं, और जिसके कारण वहाँ पे आर्क फ्लैश होता है, या उसको इलेक्ट्रिक फायर भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी इलेक्ट्रिक फायर हो फ्लैश हो के बंद हो जाता है, कभी तो एक्सप्लोजन भी हो जाते हैं। तो ये था जो प्राइमरी हजार्ड था, इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल आर्क फ्लैश एंड इलेक्ट्रिकल। अब देखते हैं सेकेंडरी हजार्ड क्या हो सकता है अगर किसी को शॉक लगता है तो सेकेंडरी हजार्ड में एब्रेशन हो सकते हैं, हल्का लग गया तो थोड़ा एब्रेशन होके रुक गया, या स्लिप ट्रिप फॉल्स भी हो सकता है, या फॉल फ्रॉम हाइट है, सपोज हाइट पे काम कर रहे हैं वहां पे किसी वायर में टच हो गया तो हाइट से गिर भी सकता है। अब हम देखते हैं कि इसका सेवेरिटी डिपेंड्स किन किन चीजों पे करता है। अगर इलेक्ट्रिकल शॉक किसी को लगता है तो सेवेरिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहला चीज है पथ ऑफ करेंट थ्रू द बॉडी, तो बॉडी के थ्रू करेंट का पासिंग किधर से हो रहा है, वो पहला पॉइंट है। बॉडी में पासिंग किस तरफ से हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसके कारण सेवेरिटी यहाँ डिसाइड होगा। दूसरा है अमाउंट ऑफ करंट फ्लो द बॉडी, बॉडी के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट है जो फ्लो हुआ है, दूसरा पॉइंट ये है। और थर्ड जो पॉइंट है लेंथ ऑफ टाइम ऑफ द बॉडी, द सर्किट में यानी कि बॉडी के अंदर कितने टाइम तक वो करंट रहा। तो ये जो तीन चीज है इसी पे है जो सेवरिटी है जो डिपेंड्स करता है, सेवरिटी ऑफ शॉक इन तीनों पॉइंट पे डिपेंड्स करता है। चलिए अब देखते हैं ओवरलोड किन किन कंडीशन में होता है, कभी कभी ओवरलोड के कारण भी प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरलोड, अगर टू मच करंट इन ए सर्किट, सर्किट में अगर बहुत ज्यादा करंट है तो ओवरलोड हो जाएगा। तो ओवरलोड होने के पीछे टू मच करंट आएगा कैसे, तो सबसे पहले क्या है, टू मेनी डिवाइस व्हेन प्लग इन टू ए सर्किट, अगर सर्किट में बहुत सारे डिवाइस को प्लग कर दिया जाए तो उस केस में ओवरलोड हो जाता है। तो ये इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट विल हिट द वायर टू ए वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसमें जो ये जब एक ही में प्लग कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, वायर को हीट करता है वेरी हाई टेम्परेचर पे, जिसके कारण ओवरलोडिंग वहाँ हो जाती है। नेक्स्ट है
डैमेज पावर टूल कैन काउज ओवरलोड। अगर डैमेज पावर टूल्स को भी अगर लगा दिया जाता है तो उसके कारण भी ओवरलोड हो जाते हैं। और ओवरलोड कैन लीड टू, और ओवरलोड जब होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक भी हो सकते हैं और फायर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक किन किन कंडीशन में लगता है। इलेक्ट्रिकल शॉक इज कॉज बाई ए करंट पासिंग थ्रू अ बॉडी। तो इलेक्ट्रिकल शॉक तभी लगेगा जब करंट किसी भी आदमी के बॉडी से पास करेगा। जब तक बॉडी से पास नहीं करेगा तब तक करंट नहीं लगेगा, उसको शॉक नहीं लगेगा। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉक हैपेंड इफ पार्ट ऑफ योर बॉडी कंप्लीट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल शॉक तभी हो सकता है जब इफ ए पार्ट ऑफ योर बॉडी कंप्लीट इलेक्ट्रिक, माने बॉडी का पार्ट है जो एक सर्किट को क्रिएट करता है और वो कंप्लीट करता है उसको, तभी उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और नेक्स्ट देखते हैं, टचिंग ए लाइव वायर एंड स्टैंडिंग ऑन इलेक्ट्रिकल ग्राउंड। कोई लाइव वायर को टच कर दिया है और वो खड़ा है इलेक्ट्रिकल ग्राउंड पे, तो उस कंडीशन में उसको शॉक लगने की डर है। और दूसरा है टचिंग ए लाइव वायर एंड अनदर वायर ए डिफरेंट वोल्टेज। तो लाइव वायर तो टच किया है और दूसरे जो अनदर जो वायर है वो डिफरेंट वोल्टेज पे है, उसको भी टच कर दिया है, तो इन सब केसों में है जो इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाते हैं। तो अभी आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसमें हजार्ड क्या है, प्राइमरी हजार्ड क्या है, सेकेंडरी हजार्ड क्या है, ओवरलोड किस कंडीशन में होता है और इलेक्ट्रिकल शॉक किस कंडीशन में लगता है। तो चलिए मैं अब आपसे रिक्वेस्ट जरूर यहाँ पे करूँगा कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।